देर रात तक गर्लफ्रेंड से बात करने से क्या फर्क पड़ता है हमारे रिलेशनशिप पर। अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कैटेगरी के लिए है, दोनों के लिए यूजफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाइट में ज्यादा देर बात करने से यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फर्क है पड़ता है वो हमारे रिलेशनशिप पर। अगर हम नाइट के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक अगर हम बात करते हैं, दो दो चार चार बजे तक अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फर्क है वो पड़ता है हमारे रिलेशनशिप पर। और हमारा रिलेशनशिप कभी भी टूट सकता है, हमारा पार्टनर कभी भी हमसे दूर जा सकता है, उस पर भी हम बातें करेंगे। बट उससे पहले जो दूसरा पॉइंट है कि हमारे मानसिक संतुलन पर, अगर हम नाइट में बहुत ज़्यादा देर बात करते हैं तो जो है कि हमारे मानसिक संतुलन पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, अगर हम जैसे कि बात करते हैं नाइट में बहुत ज़्यादा देर तक, तो उससे ये होता है कि अगर हमारी नींद नहीं पूरी हुई होती है तो दिन में जैसे आलस रहना शरीर में, मन उदास सा बना रहता है, बात बात पे गुस्सा आना, घर वाले कुछ कहते हैं उस बात पे गुस्सा आना, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो है कि तीसरा पॉइंट कि जो हमारे चेहरे का ग्लो है ना, वो कहीं कहीं कम हो जाता है, हमारा चेहरा भद्दा सा दिखने लगता है, आप दुबले हो जाते हो। और यहाँ पे लड़कियों के चेहरे का भी ग्लो जाता है एंड लड़के के भी चेहरे का ग्लो जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला चीज़ है वो लड़कों को ही होता है। तो यहाँ पे लड़कों को सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है ना, अगर नाइट में ज़्यादा देर तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, तो यहाँ पे जो शारीरिक अट्रैक्शन है, गर्लफ्रेंड से बात करते समय जो फील होता है, जो फीलिंग्स होते हैं, वो इतनी तेज़ हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं लड़के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपने हाथों के मदद से कहीं ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण उनके शरीर में कमजोरी आती है और वो दुबले हो जाते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा नुकसान होता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गर्लफ्रेंड दूर चली जाएगी, आपका रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप नाइट में बहुत ज़्यादा देर तक बात करते हैं तो जरूरी तो नहीं कि गर्लफ्रेंड का जो अट्रैक्शन है हमेशा उतना ही इंटरेस्ट है, इतना ही बना रहे, आपके साथ इतना ही हमेशा बात करे, वो कहीं कभी ना कभी जरूर ही कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो बातचीत भी कम करेगी, जिसके कारण आपको भी बुरा लगेगा, या तो आपका कम हो जाए या फिर आपके गर्लफ्रेंड का, किसी ना किसी का इंटरेस्ट जरूर कम हो जाता है। कहीं ना कहीं वो ये सोचने लगता है कि यार अब मुझे बात नहीं करनी, यार अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग सा फील होने लगता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा बात करते हैं ना और कम बात करते हैं, तो जो अट्रैक्शन है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो गर्लफ्रेंड के प्रति बना रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे, बहुत नाइट में बहुत देर तक बात करेंगे, तो हमारा अट्रैक्शन, प्यार सारा कुछ खत्म हो जाता है। और बाद में एंड में क्या मिलता है, ठुल्लू, कुछ भी नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो बात करने में मन भी नहीं रहेगा, गर्लफ्रेंड कॉल भी कम करेगी, आपका अगर इंटरेस्ट कम हो गया तो आप कॉल कम करेंगे, इस बात पर लड़ाई होगी और धीरे धीरे झगड़ा, लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ब्रेकअप तक की नौबत हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, जरूर नहीं कि गर्लफ्रेंड ही छोड़ के चली जाएगी, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आप ही उसे छोड़ देंगे, आपका ही उसमें मन नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं ना, तो इंटरेस्ट बना रहता है, प्यार कायम ही रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो आप बात कम करने की कोशिश करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। और अपनी गर्लफ्रेंड को लाइफ टाइम के लिए रखना चाहते हैं अपने पास, ये चाहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड कभी दूर ना जाए, तो आप उससे लिमिट भर ही बात करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच ही जाए। तो गाइस मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।